कृषि विभाग हमीरपुर के पास मक्के का 600 क्विंटल बीज पहुंच गया है। किसानों को इस बार भी मक्के का सिंगल व डबल क्रॉप्स बीज मुहैया करवाया जाएगा। बीज की सब्सिडी अभी तक तय नहीं हो पाई है, ऐसे में किसानों को बीज के लिए अभी इंतजार ही करना होगा। इसके अलावा चारे का 1550 क्विंटल बीज की खेप भी अब तक हमीरपुर पहुंच गई है, जिसमें चरी का 1000 क्विंटल बीज और बाजरे का 550 क्विंटल बीज शामिल है, जिसे ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है। चारे बीज की सब्सिडी भी अभी तक तय नहीं हो पाई है। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डायग्नोस विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। जानकारी देते हुए कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने बताया कि हमीरपुर जिला में खरीफ मौसम के बीज की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। जिला में मक्की का 600 क्विंटल और चारे का 1550 क्विंटल बीज अब तक पहुंच गया है, जिसे ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है। बीज की सब्सिडी अभी तक तय नहीं हो पाई है, ऐसे में किसानों को बीज के लिए अभी इंतजार ही करना होगा। देख रहे हैं खरीफ की शुरुआत हो गई है, तो मुख्य जो हमारा जिला है इसमें मक्की में अग्रणीय जिला है ये, तो मक्की में हमारे दो तरह के हमने हाइब्रिड इस बार संकरित बीज इस बार मंगवाया किसानों को, जो उनकी पैदावार बढ़ाने में काम आएंगे। सिंगल क्रॉस है और डबल क्रॉस है। सिंगल क्रॉस जो 1200 क्विंटल, डबल क्रॉस 1250 क्विंटल, तो ये कुल मिला के जो 2450 क्विंटल मक्की का बीज इस बार हमने जिले में उपलब्ध कराया। और इस बार अच्छी अच्छी कंपनियों का बीज हमने उपलब्ध कराया कि ना कि इक्का दुक्का कंपनियों का। और पिछले साल के हमने जो फार्मर से डाटा और हमारे जो अधिकारियों से डाटा हमने प्राप्त किया था कि कौन सी वराइटीज, कौन से हाइब्रिड जो अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो वो इस बार हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बीज भी हमारे स्टोरों में आ चुका है, हालांकि इसका भी समय है। जैसे मानसून आने के जून में जैसे मानसून यहाँ पहुँचेंगे, तो उससे पहले ये बीज हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कृषि विक्रय केंद्र हैं और जो हमारी सोसाइटीज़ जो हमें जो हमारे विभाग के साथ पंजीकृत हैं, उनको ये चीज़ मुहैया, उनको ये बीज मुहैया करा दिया जाएगा मक्की का। बाकी बात रही चारे के बीज की, तो चारा भी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना पशुपालन करते हैं, पशु पाले हैं, और आपको पता ही है कि हमारा जो जिला हमीरपुर है ज़्यादातर सूखे में ही बारिश पे निर्भर है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बारिशें लेट हो रही हैं, तो जिन हमारे किसान भाइयों ने मक्की जो गेहूं की फसल काट ली है, तो उनके लिए बड़ा सही मौका है कि अपने खेतों को तैयार करें और इन बीज की बुआई वो कर दें, क्योंकि जून के एंड में तो मानसून पहुँचेंगे जून जुलाई में। तो इसमें चरी का बीज है जो जिले में आ चुका है, वो लगभग 3500 क्विंटल बीज है जो हमने मंगवाया हुआ है, और इसी के साथ बाजरे का बीज है जो लगभग 2000 क्विंटल हमने जिले में मंगवाया हुआ है। तो इसकी जो फायदा किसान बीज को ले सकते हैं। फिलहाल अभी सब्सिडी के हमें कोई आदेश निर्देश ऊपर से प्राप्त नहीं हुए हैं। किसान जो जल्दी में है वो कृपया फुल रेट पे अपना नाम दर्ज करा के इसको ले सकते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तक बीज की सब्सिडी तय हो जाएगी और उसके बाद किसानों को बीज मिलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल कृषि विभाग बीज की खेप ब्लॉकों को भेजने में लगा हुआ है, ताकि किसानों को घर द्वार के नजदीक सभी बीज मिल सके। कृषि विभाग हमीरपुर ने इस बार किसानों की डिमांड पर मक्की का 2450 क्विंटल बीज मंगवाया है। इसके अलावा चरी का 3440 क्विंटल और बाजरे का 1650 क्विंटल बीज की डिमांड दी है। उसके मुताबिक बीज की खेप हमीरपुर पहुंचना शुरू भी हो गई है। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।